दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बैक टू बैक कमेंट्स आ रहा है कि इतने दिन से मैं हूँ कहाँ, मेरे चैनल पर व्लॉग नहीं आ रहे। तो भाई बहुत ज़्यादा बिजी मैं चल रही थी। बिजी इसलिए क्योंकि एक तो शादी थी घर में, ठीक है, व्लॉग भी मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब थी, मतलब मेरी सासू माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वो हॉस्पिटलाइज थी। 7-8 दिन में वो हॉस्पिटल से आई हैं और आज मम्मी और मौसी आई हैं मेरी सासू माँ को देखने। ये रही मेरी मौसी, थैंक यू। हाँ। मैं दे रही हूँ, हटाना तो हटाना, टावल दे देती हूँ मैं, इधर है बाथरूम में। तो हाँ जी मौसी, ये लो देखो, दिख गए आप, दिख गए। सो इसी वजह से बहुत दिन से व्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था, घर में सब कुछ इतना ज्यादा बिजी चल रहा था। पहले आपके लिए क्या बोलूं मैं, देखो शिव उठ जाएगी। हाँ, पृथ्वी को भी खांसी जुकाम हो रखा है, फीवर हो रखा है, और आज शिवू को भी फीवर हो रखा है और ये सोई हुई है नानी अपनी देवती को प्यार करते हुए। बोलो, मेरी मौसी है और ये आप देखो बाहर मम्मी, एक सेकंड, तू क्यों भी चुपका चुपका घूम रहा है। पापा जी, मौसा जी, सासू माँ और मम्मी। तो सासू माँ जब हॉस्पिटल से आई है, मम्मी को मतलब 9 दिन में हॉस्पिटल से आई है, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, नमूनिया बिगड़ गया था। रीजन उसका यह है, शादी में गई थी, कार्डिगन नहीं पहन रखा था, सिर्फ शॉल ले रखा था तो मम्मी को सर्दी लग गई, सर्दी की वजह से नमूनिया हो गया। आज बैठे हुए बात कर रहे हैं सारे समधी समधन, हम जाते हैं अंदर। हाँ पृथ्वी यार, गोद में ऐसे थोड़ी ना होता है क्या? ये सुबह जल्दी उठ गई थी और रात सोई 4 बजे। चलो छोड़ो, फटाफट फटाफट छोड़ो बच्चा, प्लीज नहीं प्लीज। ओके, क्या हुआ? नानी की गोद में रोना क्यों है भाई? हो ओल नानी आपको खिला रही है नानी नानू के पास बैठी है शिव। टिक 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 टिक, मम्मी पापा जी, मौसी मौसा जी चले गए हैं और अब मैं निपटा रही हूँ अपना काम, बच्चों के लिए बनाना है खाने के लिए। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैं शिवी को सॉलिड में क्या देती हूँ, तो आज मैं आपके साथ उनमें से एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे मैं उसे खिलाती हूँ। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि इसको ना ऐसा खिलाऊं जो इसके लिए हेल्दी हो, कुछ मतलब जैसे सेरेलेक वगैरह बाजार के मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, कभी मैंने पृथ्वी को भी नहीं खिलाए थे और मैं इसको भी नहीं खिला रही। तो यस, मैं जो शिवी के लिए बनाती हूँ वो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट उससे पहले बर्तन साफ कर दूंगी क्योंकि बहुत सारे हो गए थे, पर हाँ हो चुके, मतलब कांच के बर्तन है तो मैं साथ के साथ साफ करके रख लेती हूँ जिससे कि फूटे ना, वरना मेरे तो बर्तन बहुत जल्दी फूट जाते हैं। तो पहले अपनी क्रॉकरी साफ कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज इसके लिए वेजिटेबल उत्पम। काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैं ट्राई करती हूँ, डिफरेंट नहीं कह सकते, काफी सारी चीजें मैं ट्राई करती हूँ। So, यहाँ मैंने ब्रोकली को अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद आप ये देखो, मतलब ब्रोकली जो है ना वो पूरी इस तरह से है, मैं सिर्फ इसका ये वाला पार्ट निकाल करके कुकर में ट्रांसफर कर लूंगी। एक बार हटाना बेटा, नाइफ ले लूँ जरा। मैं यहाँ पर सिर्फ ब्रोकली को बॉईल कर रही हूँ, आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल है आप वो बॉईल कर सकते हो, मेरे पास सिर्फ ब्रोकली थी तो मैंने इन्हीं को यूज़ किया। नमक डाला, थोड़ा सा पानी डाला और बॉईल होने के रख दिया, 1-2 सीटी में आराम से बहुत अच्छे से गल जाती है। उसके बाद तब तक मैंने सूजी का बैटर रेडी किया, सूजी में पानी डाला और इसे फूलने के लिए रख दिया। दही मैंने इसलिए नहीं मिक्स की क्योंकि बच्चों को खांसी है, तो दही अभी मैं अवॉइड ही करती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करके मैं साइड कर दूँगी क्योंकि जब मेरी ब्रोकली बॉईल हो जाएगी उसके बाद इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ब्रोकली बॉईल हो चुकी है, थोड़ा सा मैंने चकुंदर लिया और इसे एक साथ ग्राइंड कर लिया।
बहुत ही फाइन मैंने इसका पेस्ट बनाया, जिससे कि मिक्स करके ना उत्पम आसानी से बन जाए। थोड़े बहुत अगर पार्टिकल्स रह जाए तो आप स्पून की हेल्प से निकाल भी सकते हो। सो अच्छे से इसका पेस्ट रेडी किया और इसे मैंने अपनी सूजी में मिक्स कर लिया। बहुत ही हल्का सा नमक मैंने डाला था, क्योंकि नमक सिर्फ मैंने बॉयल होते टाइम ही डाला था। फिर अलग कंटेनर में, मतलब अलग बाउल में मैंने इसको लिया, उसमें थोड़ी सी ईनो डाली, पानी डाला और एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाया, जिससे कि जो उत्पम है वो सॉफ्ट बने और स्पॉन्जी बने। एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, उस पर ज़रा सा घी लगाएंगे और जो ये बैटर है इसको स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि पहला बनाया था तो थोड़ा सा फट गया था ये, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। बाकी इसके बाद बिल्कुल गोल गोल और बहुत ही अच्छे से, मतलब ये बने, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। देखो जो फर्स्ट होता है ना वो हमेशा हो जाता है टेढ़ा मेढ़ा, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा क्यों बना है। उसके बाद इसको धीमी आंच पर मैंने पकने दिया। दूसरी साइड आप देखोगे मैंने बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं किया और बहुत अच्छे से सिक जाएगा। जब ये एकदम प्रॉपरली सिक जाए ना दोनों तरफ से, तो इसे आप सर्व कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप पनीर की फिलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास पनीर नहीं था तो मैंने नहीं किया। कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी ऐसे भी खिला देती हूँ। अब शिवी को खाना, तो कोई चटनी और सॉस तो चाहिए नहीं। इसका खाना मैंने दिया अम्मा को, और जैसे ही शिवी ने मुझे देखा तुरंत सबसे पहले खाने पर झपटी और दूसरा मेरे को देख के तुरंत रोना स्टार्ट कर देती है। फिर इसकी अम्मा ने इसमें नमक टेस्ट किया, शी सेड के नमक एकदम ठीक है, और उन्होंने इसे खिलाया। और जब तक इसको खिलाया नहीं ना, या मैं कमरे से बाहर नहीं गई, इसका रोना बंद नहीं होता। ये आप देखो कॉन्टीन्यूसली रोती रहती है, तो मैं वहाँ से फटाफट एग्जिट लिया कि जिससे ये आराम से खा ले। फिर मैंने सारांश के लिए बनाया, सारांश ने मना कर दिया खाने के लिए, उसे भी भूख नहीं थी, तो मैंने पृथ्वी को खिला दिया कि चलो जिसको जब भूख होगी जैसे जैसे तभी बना दूंगी, बिकॉज ये गर्म ही अच्छे लगते हैं। और पृथ्वी के बड़े ड्रामे हैं, उसे अच्छा लगता है सिर्फ ब्रॉकली वाला, उसे बीटरूट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने उसको खिलाया, क्योंकि अच्छा है तो बच्चों के लिए हेल्दी होता है। मैंने खुद ने भी खाया, सब ने खा लिया। उसके बाद लग गए हम अपने काम पर, क्योंकि मम्मी और मौसी आई थी, तो मेरे मायके में ना सब्जी बोते हैं खेत में, तो बड़ी ताज़ी सब्जी लेकर गए थे। उनको हमने बिल्कुल ठीक करके फ्रिज में स्टोर कर दिया, जिससे कि वो ज़्यादा देर तक चलें। बाबा जी को दूध देंगे ना। शैतान शैतान मेरी शैतान सिंह, ये कपड़े जो आपने पहने हुए पृथ्वी भैया के हैं, सारे कपड़े पृथ्वी के पहनते हैं, जो सिर्फ फ्रॉक है ना वो इसके हैं, बाकी जितने भी कपड़े हैं सारे पृथ्वी के। और संडे में हम छुट्टी का कराएंगे मुंडन, संडे में क्या कराएंगे मुंडन, और फिर गंजू पंजू हो जाएगी। कैसी खरीदेगी गंजू होगा, इसको सब कुछ समझ में आ रहा है। और पृथ्वी वहां अपनी अम्मा को परेशान करते हुए अच्छा एक और चीज़, उसके बाद में मतलब मुझे पता नहीं चला मैं कब में सो गई, तो व्लॉग को मैं एंड नहीं कर पाई। तो यही व्लॉग का एंड है, मतलब यही है मेरे पूरे दिन का रूटीन। सो चले गाइस, मिलती हूँ न्यू व्लॉग में, बाय बाय।